सही दोस्तों, मैं चुनजे साला का बहुत स्वागत करता हूँ द कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड में, जहाँ हफ्ते भर के आपके जो प्यार भरे कमेंट्स होते हैं उनका आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। आज जो पहला कमेंट आ रहा है वो आ रहा है नमन लूथरा जी का। वो बोलते हैं, कैन यू सजेस्ट इफ इट्स वर्थ बाइंग टू इन मार्च 2021 आफ्टर 8 months ऑफ इट्स लॉन्च, वर्किंग स्टिल फाइन। सो काम अभी कर रहा है, जब से मैंने परचेज़ किया हुआ है, लॉन्च के टाइम पे मैंने परचेज़ किया था नमन जी, अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन इसके थोड़े से यार रिस्ट्रिक्शंस हैं इस बट के अंदर, जो मैंने जब लॉन्च हुआ था बोट का एयरड्रॉप 441, उसके बाद मुझे इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले, बिकॉज फीचर उतने ज़्यादा नहीं जितने कि बोट के 441 में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, स्टिल ये काम अच्छे से कर रहा है, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत फीचर्स इसमें मिसिंग है। अगर आप चाहते हो इस टाइम पे कुछ ख़रीदना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बोट का एयरड्रॉप 441 आप खरीद सकते हो। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर। अच्छा दोस्तों, दूसरा जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है अनुपम आलोक जी का। कहते हैं, नाउ इट्स प्राइस इज ₹1599 ऑन फ्लिपकार्ट। इन माई ओपिनियन वायर्ड ईयरफोन ही अच्छे होते हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। नो डाउट सर कि वायर्ड वाले अच्छे होते हैं, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करते हो या फिर ज़्यादातर वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद करते हो, सो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बट की तरफ जाओ या फिर आप नेक बैंड की तरफ जा सकते हो, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको बट से कोई प्रॉब्लम है तो नेक बैंड की तरफ आप जा सकते हो, वो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा बट्स के कंपेरिजन। तीसरा कमेंट आ रहा है वो आ रहा है ह्यूमन बींग जी का। बोलते हैं, फॉर क्वालिटी एक्टिवेशन। अच्छा, इन्होंने एक सजेशन दिया है, हेल्प करने की कोशिश की है, थैंक यू फॉर यू। चौथा कमेंट आ रहा है वो आ रहा है वसंत राजदेव जी का, जो कि कहते हैं, 8 ईयर यूज़ वोडाफोन, मेरे नेम डॉक्यूमेंट दिया था, दूसरे नेम हो गया। अच्छा, मतलब इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया होगा दूसरे के नाम पे, ये हो गया। वोडाफोन चीटर कंपनी है, डोंट ट्रस्ट वोडाफोन। लिटरली अगर आपके साथ वसंत जी ये हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन यार, जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वोडाफोन, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेरिजन टू जियो। नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, कॉल ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलते, और साथ ही साथ जो नेटवर्क की स्पीड है, इंटरनेट स्पीड, वो काफ़ी अच्छी है कंपैरिजन टू जियो मेरे एरिया में। अगला कमेंट दोस्तों जो आ रहा है वो आ रहा है शिवम कुमार जी का। बोलते हैं, मिंत्रा पर ये 1100 के मिल रहे हैं, बट लोग बोल रहे हैं कि वो डिफेक्टिव बेचते हैं, देन नेगेटिव रिव्यूज़ भी देखने को काफ़ी मिले यूट्यूबर्स के। आपके TWS अभी भी पहले जैसे चल रहे हैं? जी शिवम जी, अभी भी पहले जैसे चल रहे हैं ये। और अगर आपको मिंत्रा पे नहीं लेना है तो सही है, आप मिंत्रा पे ना जाओ, फ्लिपकार्ट पे ही मिलते हैं, मिंत्रा ही की पेरेंट कंपनी है, वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हो। इसके अलावा रियलमी के स्टोर पे भी आप जाके ख़रीद सकते हो, मेरे तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर। दोस्तों जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है शमशेद सैयद जी का। बोलते हैं, हु डोंट हैव वॉच बट वॉचिंग वीडियो लाइक मी। शमशेद जी, आई लिटरली डोंट नो क्या बोलना चाहते हो, बट थैंक यू फॉर यू। अगला कमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है तागे मूंद जी का। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत आपका नाम प्रोनंस किया हो। माई रियल मी बैंड इज़ नॉट स्विचिंग ऑन आफ्टर 2 weeks ऑफ परचेजिंग, इवन आफ्टर चार्जिंग 1 whole night। सो आपका अगर एक हफ्ते के बाद भी परचेज़ करने के बाद भी स्विच ऑन नहीं हो रहा है, अगर फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ था, तो मे भी ये डिफेक्टिव होगा। आप प्लीज़ अपने नज़दीकी रियलमी सर्विस सेंटर पे जाओ और इसे प्लीज़ एक्सचेंज हो सकता है तो एक्सचेंज, या फिर रिपेयर करा सकते हो। अनदरवाइज़ अगर किसी चार्जिंग की वजह से इशू है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि रियलमी बैंड को कभी भी 18 वॉट चार्जर के साथ, या फिर उससे जो अच्छे मतलब फास्ट चार्जर होते हैं 18 वॉट, 30 वॉट, या फिर 64 वॉट, इन सारे चार्जर्स के साथ कभी भी यूज़ मत करिएगा। हमेशा 10 वॉट का जो चार्जर होता है उसी के साथ यूज़ करिए। अगला जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है सौम्या साथुआ जी का। बोलते हैं, ब्रो मैं लेने की सोचता हूँ, अब लूँ क्या या नहीं। ये रियलमी 7 प्रो की बात कर रहे हैं। तो सौम्य जी, बिल्कुल आप ख़रीद सकते हो रियलमी का 7 प्रो, बिकॉज ऑफ काफ़ी अच्छा है। अभी भी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर भी जितने स्मार्टफोन आए हुए हैं उनमें ये काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर वाइज भी, कैमरा वाइज भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे रियर में। और मुझे अभी तक इतने दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। इवन रियलमी का 8 प्रो और 8 आया है, उसके बावजूद भी मुझे यही अच्छा लग रहा है कंपेयर टू 8। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। और अगर आपको मतलब अभी भी थोड़ा डाउट है, तो मेरी पिछली रियलमी 7 प्रो के ऊपर बनाई हुई वीडियोज़ देख सकते हो, मैंने उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी है
और क्या चीज़। तो अगला जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है नवी मेहरा जी का, बोलते हैं भाई आपके बोथ बर्ड्स वर्किंग कर रहे हैं, क्या किसी के एक मंथ लेटर एक बर्ड वर्क नहीं करता? नवी जी, मेरे साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ है, सारे मतलब दोनों ही बर्ड्स मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं, स्टिल चार्जिंग वाइज भी अच्छे से काम कर रहे हैं और साउंड क्वालिटी वाइज भी अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बोट का एयरडॉप 441 जो आया हुआ है वो आप परचेज़ करो, डिज़ाइनिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा है रियलमी बड्स क्यू से, और साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी वाइज भी ज़्यादा अच्छा है और फीचर्स भी इससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से जाके इसे परचेज़ करो। अगला कमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है सुकंत समंतरे जी का, बोलते हैं ब्लूटूथ कैसे ऑफ करें, ये रियलमी बैंड की बात कर रहे हैं तो उसका ब्लूटूथ ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि एक ही कैपेसिटिव बटन हमें देखने को मिला है उसके अंदर। सो आप वहाँ से, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप इंडिविजुअली उसका ब्लूटूथ बंद कर सको ऑटोमेटिकली वही। ये थे आपके कमेंट्स जो मैंने आंसर देने की कोशिश की, जिनकी आई होप कि आपके कमेंट्स के मैंने अच्छे से आंसर दिए हों, आपको सेटिस्फाई हो मेरे आंसर्स के साथ। इसी तरह से अपने प्यार बांटते रहना, कमेंट करते रहना, जिससे कि मैं अगले हफ्ते जब ये कमेंट बॉक्स का एपिसोड बनाऊँ तो आपके भी कमेंट्स को मैं फीचर कर सकूँ। पिछले दिनों में थोड़ा पॉजिटिव हो गया था तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। सो आगे वीडियोस आती रहेंगी, और अगर आपके आसपास कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है ना तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज दी गई है काफ़ी अच्छी, अगर ऑक्सीजन लेवल आपके कम हो चुके हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो, लेवल्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ वो देख लेना, आई होप कि उससे आपको कुछ मदद मिल पाए। इसी तरह से पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा, नेगेटिविटी को दूर रखिएगा, चैनल्स वगैरह मत देखो, नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारी हैं, सो प्लीज़ घबराइए मत, मास्क पहनिए और अपने हाथों को साफ रखिए। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, वंदे मातरम।